हम उठिए, सुबह हो गई है। हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए और हम उठ गए हैं, और यसफर बाबू भी उठ गए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं यसफर बाबू। और ये और हम है, देखिए इनके यहाँ पे चोट लगी हुई, वो इनके यहाँ पे मम्स हो गया था ना, तो इनके यहाँ पे पट्टी लगी है, क्योंकि यार हमको बहुत दर्द हो रहा था, है ना। और हम और आप अभी क्या करने वाले हैं आप? और हम अब आप क्या करने वाले हैं? ब्रश करने वाला तो चलिए फिर ब्रश करिए। और हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करनी चाहिए? ब्रश। तो अब आप ब्रश करने वाले हैं। हाँ। देखिए फ्रेंड, और हम हमारा ब्रश कर रहा है, आ चुका है बाहर वाले रूम में, जो कि अब बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा है अपने भाई का बैट लेके और ये बुक्स लेके। इनको उनकी बुक्स लेके खेलना बहुत पसंद है, तो ये अब खेलने लगे हैं। अब मैं इस बीच में थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ उन लोगों के लिए, तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो, है ना, है ना। ये बहुत परेशान होते हैं सुबह सुबह बाहर आने के। अब आप क्या करेंगे यार? हम पानी पियोगे? ये मेरी पानी रखी हुई है यार हम की, और हम भी सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं, है ना। और हम क्यों पीते हैं आप पानी? सुबह पानी इसलिए पीते हो क्योंकि पेट के लिए अच्छा होता है। अच्छा। और ये बॉडी में ताकत देता है। अच्छा। और जो नीचे और पैर बहुत तेज से देता है और परफेक्ट परफेक्टली देता है ये। और हम ये पानी लेने जा रहे हैं आपकी। असफर, असफर बाबू, क्या है, क्या बात है? ये देखो फ्रेंड, अब हो गए हैं और हम रेडी, अब जा रहे हैं ये दुकान पे, थोड़ा इनको नाश्ता वास्ता लेना है सामान, तो मैं और अरहम दोनों जा रहे हैं। चलिए अरहम, तो ये और हम जा रहे हैं दुकान पे, और ये हम लोग भी हैं, असफर भी जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। हम असफर अब भी जा रहे हैं दुकान पे, इनको बाहर जाना बहुत पसंद है। चलिए अरहम, तो अब हम सब आ गए हैं बाहर, उसको बाहर आ गए हैं हम सब, ले आ गए हम बाहर। चलिए अब हम दुकान पे, हाँ स्पैरो है। चलिए ये देखो इस बार अस्पी अस्पी तो अब मैं और अजफर और अरहम हम सब आ चुके हैं बाहर। ये देखिए अब हम देखिए इधर जा रहे हैं, अब हम ब्रेड लेके। मजा आ रहा है? तो हम लोग फाइनली आ गए अपने घर पे, तो हम लोग आ गए अपने घर पे। देखिए यार हम भी आ गए हैं, असफर भी आ गए हैं। मैं थोड़ा बाहर चली जाया करती हूँ सुबह के टाइम पे, थोड़ा मैं बाहर इसलिए जाती हूँ क्योंकि इससे मेरा थोड़ा वॉक भी हो जाता है, और इससे मुझे थोड़ा मतलब फिट रहने में थोड़ी हेल्प मिलती है, तो इसलिए मैं बाहर चली जाया करती हूँ। दिन में भी किसी टाइम पे कुछ लाना होता है तो मैं चली जाया करती हूँ, तो इस वजह से मैं इनके साथ चली गई थी। इनके पापा ज़रा सुबह सुबह किसी काम के लिए बाहर चले गए थे, तो इसलिए मैं बहुत हाफ रही हूँ अभी मैं, क्योंकि नीचे से आई हूँ जीने से चढ़ के, और ऊपर से मेरे गोद में छोटा बच्चा भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा हाफ नहीं हूँ। अब ये सुबह सुबह हम खाएंगे बादाम भिगोया हुआ है जो कि, और ये दिमाग के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो और हम अपनी शुरुआत इसी से करते हैं। हमने खा लिया बादाम, ये लीजिए अखरोट,
ये भी खा लेंगे नरम है नरम। ये देखिए ये बैठे बैठे यहाँ आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, और ये देखिए यार हम इनको गोद में लेके यहाँ आ गए हैं, और हम गिरा देंगे आप। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एग निकला हुआ है, तो हम बनाने वाले हैं अभी अरहम के लिए इसमें एग से लगा के ब्रेड पकोड़ा, वो बोलते हैं तो उनको वही पसंद है। और ये मेरे गोद में अजफर भी है। तो ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ से ये अच्छे से सीख चुके हैं और मैं इसे दूसरी तरफ से सीख रही हूँ, और मैं इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि ये बच्चे खाते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा नुकसान करता है। तो ये देखिए फ्रेंड, इनका नाश्ता हो गया है रेडी, और ये अब खाएंगे नाश्ता। और हम बाबू साथ में ये भी देख रहे हैं, इनके बगल में बैठ के इनका भी दिल चाह रहा है खाने का, तो अभी इनको भी कुछ दूंगी बना के। बाकी ये हो गया अरहम का नाश्ता, तो इसके साथ अरहम पीते हैं दूध, लेकिन इस टाइम दूध जो है ख़त्म हो गया है, तो इनके पापा लेके आएंगे अभी बाहर से जब आएंगे। कैसी बनी है अरहम? हम बाबू भी खा रहे हैं और अपने बेबी को भी खिलाते हैं। अल्लाह करे इन दोनों का प्यार ऐसी बरकरार रहे, अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। गिर जाओगी।